अवधेश मिश्रा जी के बड़े भाई है। सर ये बताइए कि अवधेश मिश्रा जी, तो फ्रेंड्स बता दे, आज इस वीडियो में बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं अवधेश मिश्रा का घर, और बता दे कि अवधेश मिश्रा क्या कौन है। तो ये आप जानते होंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे अच्छे विलन के रूप में जो रहते हैं, और जिस वीडियो में ये रहते हैं यानी फिल्म में, और उनका वो फिल्म हिट ही रहता है लगभग। और चलिए फ्रेंड्स, इनका जो घर का लोकेशन है जो बताते हैं कहाँ पे है। इनका घर का लोकेशन सीतामढ़ी से जो सुतिहारा गांव पड़ता है, जो 20 से 22 किलोमीटर दूरी पे है, और इसी गांव में इनका घर है और गांव वाला घर है। और इसके बाद इसी घर पर हम चले आए हैं, और चलिए जो घर हम दिखाते हैं, और जो होंगे वहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं, उनके भाई होंगे जो भी होंगे। चलिए फ्रेंड्स, इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर देते हैं, यूट्यूब पे एस्केप ब्लॉग्स सब्सक्राइब करें, एस्केप एंड व्लॉग्स प्लीज सब्सक्राइब उसको। और कुछ ये बच्चा लोग सब हैं, ये भी घर के बगल का है, और चलिए हम दिखाते हैं कौन है घर पर नहीं है, घर भी दिखाते हैं। और फ्रेंड्स जो नहीं जानते हैं, छोटा सा क्लिप देख लीजिए। मिश्रा जी आप लोग देख लिए होंगे छोटा सा क्लिप। चलिए इनके घर की तरफ चलते हैं, और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए और सबसे फेमस ब्लॉग देखने के लिए आप लोग सपोर्ट करते रहें चैनल को, थैंक यू। चलते हैं हम आगे तरफ, देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो है अवधेश मिश्रा जी ये घर यही है जो फिलहाल एक देख सकते हैं 800 लगा हुआ है यहाँ पर, और एक ये है 800, और एक ये है सुजुकी का लगा हुआ है, यही घर है। हाँ यही देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है श्री राम जानकी कुटीर संजय दूत। और ये कौन है, स्वर्गीय राम रेखा मिश्र, ये कौन थे नहीं मालूम। देख सकते फ्रेंड्स यही है अवधेश मिश्रा जी ये घर है, जो यहाँ के बच्चे लोग जो है यही बोला कि यही घर है। और चलिए देखते हैं कौन है, कौन है कि नहीं है। फाइनली फ्रेंड्स अवधेश मिश्रा जी घर पर चले आए हैं, और उनके बड़े भाई है, और उनसे हम कुछ पूछताछ करते हैं इंटरव्यू ग्रुप में। चलिए बने रहें इस वीडियो में, और चलिए ये है इनका घर। आप लोगों को बाहर से हम घर दिखा दिए हैं, कहाँ पे हैं, लोकेशन भी बता दिए हैं, और जो देख रहे हैं इनके बड़े भाई है। चलिए सर का सबसे पहले स्वागत है इस चैनल पे, अब चलते हैं हम बात करें। देखिए यही सर है जो अवधेश मिश्रा जी के बड़े भाई है। सर ये बताइए कि अवधेश मिश्रा जी बच्चे से मतलब इस एक्टिंग करना चाहते थे या एक्टिंग करते थे बच्चे से, क्या बोलना चाहते हैं? वो छठे के बाद उसके अंदर एक जुनून आया, क्या बोलना चाहते हैं दोबारा बोल दीजिए। क्लास सिक्स के बाद वो यहाँ गाँव में क्लास फिफ्थ तक रहा, इसके बाद हम लोग पटना यहाँ से चले गए पूरे परिवार जी जी। और छठे के बाद वहाँ पटना में जाने के बाद उसके अंदर वो एक्टिंग करने की वो इच्छा जागृत हुई, उसने वहाँ काफ़ी थिएटर किया, बहुत से थिएटर ग्रुप से वो वहाँ जुड़ा, काफ़ी प्रयत्न किया आगे बढ़ने के लिए। शुरू से बहुत जुझारू टाइप वो लड़का था, है भी, और अभी भी वो जितनी मेहनत करता है इस उम्र में वो काबिले तारीफ है। चलिए फ्रेंड्स बता दें कि, और सर से ये भी जानकारी लेते हैं कि उनका फर्स्ट फिल्म कौन आया था सर? उसने सबसे पहली फिल्म भोजपुरी की रिलीज हुई थी उसकी सुहाग, सुहाग, लेकिन बनी थी सबसे पहले दुल्हाई सिंचाई, और उससे भी पहले उसने एक मैथिली फिल्म कखन हरब दुख मोर विद्यापति की जीवनी पे बनी थी, उसमें उसने काम किया। बोले हैं कि सबसे पहले सुहाग में काम किए थे, इसके बाद कुछ इसके बाद कुछ एक और फिल्म, सबसे पहली फिल्म थी रवि किशन के साथ उसकी दुलाई सिंचाई, दुल्हा सिंचाई रवि किशन के साथ आया था एक जो एक्टर है। और चलिए फ्रेंड्स बता दें कि सर से मैं भी पूछ लेते हैं कि मैं कहाँ तक अंतिम पढ़ाई किए हैं? वो ग्रेजुएशन है अभी तो ऑनर्स है, वो ऑनर्स है ग्रेजुएशन से, और आर्ट्स से किए हैं कि साइंस से किए हुए हैं? नहीं आर्ट्स है उसका, और आर्ट्स से वो अवधेश मिश्रा सर जो है आर्ट्स से बीए किए हुए हैं। और चलिए ये भी जानकारी लेते हैं कि सर से बात करते हैं कि वो सर जो है मैट्रिक कहाँ से किए हुए हैं? मैट्रिक वो पटना कॉलेजिएट स्कूल है, वहाँ से मैट्रिकुलेशन किया है। यहाँ तिलक मध्य विद्यालय उस समय हुआ करता था हमारे गांव में जी, वहाँ से वो पांचवी तक की शिक्षा लिया है, और बाकी की शिक्षा उसने
इंटरमीडिएट से लेकर ग्रेजुएशन तक की शिक्षा उसने कॉलेज ऑफ कॉमर्स से लिया है पटना मगध यूनिवर्सिटी पटना से। जो आप सुन रहे होंगे फ्रेंड्स, मैट्रिक से लेकर जो बीए तक जो पढ़ाई किए हैं अभिदेश मिश्रा सर, जो वो पटना से किए हैं और मगध यूनिवर्सिटी से किए हैं सर। और चलिए जानकारी लेते हैं कि अभी फ्रेंड्स उनका फिल्म रिलीज होने वाला है सर, जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि कौन रिलीज लेटेस्ट में आने वाला है, चलिए हम पूछते हैं सर से। अभी कोरोना के वजह से तो उसने खुद का भी दो तीन प्रोडक्शन खुद का उसने प्रोड्यूस किया है फिल्म, जैसे एक जुगनू है जो उसने लिखा भी है, डायरेक्शन भी उसने दिया है, साथ में एक्टिंग भी किया है, स्टोरी उसकी ही है, बहुत अच्छी फिल्म, उसके ट्रेलर को हम बहुत लोगों ने सराहा था। और उसके बाद उसने एक बाबुल किया और अभी एक शायद और कोई फिल्म है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, उस पर वो उसने अपनी टीम खुद की प्रोडक्शन की, उसके होम की प्रोडक्शन की फिल्म है जो उसने प्रोड्यूस किया है, बहुत अच्छे डायरेक्टर के रूप में वो उभर रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में। जिस सोच के साथ वो अभी वो चल रहा है अवधेश, वो समझिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री को एक नया मुकाम, एक नई मंजिल तक पहुंचा सकता है, ऐसा हमारी सोच है। चलिए फ्रेंड्स ये भी जानकारी ले ले कि अवधेश मिश्रा जी अभी फिलहाल कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं वो? वो बॉम्बे में ही रहता है। और बॉम्बे में अपना फ्लैट है क्या? हाँ, अपना घर है, दो दो घर है उसके। अच्छा, चलिए फ्रेंड्स आप जानकारी ले लिए हैं कि वो मुंबई में रहते हैं और घर पे फिलहाल कभी कभी आते हैं पर्व त्योहार में। नहीं, जब जब हमारी जरूरत हो, मैं जब कॉल करता हूँ या मेरी माँ रहती हैं, क्योंकि जब वो लगता है कि या जब बिहार दौरे पे आता है तो आ जाता है, और नहीं तो पर्व वगैरह में तो आते रहता है। अभी कुछ दिन पहले आया था मार्च में यहाँ पे, वो हम लोग पूरे गाँव वाले मिल करके एक यज्ञ किए थे, उसमें वो आए थे, बजाबते शिरकत किए थे, 5-6 रोज का उनका प्रवास था यहाँ। और गांव में आते हैं तो काफी इंजॉय करते हैं, लोगों से मिल करके, गाँव वासियों के साथ घुल करके मिल करके सब तरह की बातें होती है उसकी। जी, बहुत इजी वे में रहता है और चाहता है कि गांव में रहें, बहुत फ्रीली और इजी उसको यहाँ लगता है। बाकी तो स्टार है, बाकी गांव से बाहर निकलने के बाद तो स्टार हो जाता है। जी, तो उसकी अपनी कुछ बंदिशें होती हैं, लेकिन गांव में ये सब ऐसा कुछ नहीं। चलिए फ्रेंड्स आप पूरे क्लियर से समझ गए होंगे और फिलहाल जो भी कैसे यहाँ आते हैं कभी कभी वो भी बता दिए हैं सर से। चलिए फ्रेंड्स और सर से जानकारी लेते हैं कि अवधेश मिश्रा सर कितने भाई है लगभग? हम लोग 4 भाई हैं, वो तीसरे नंबर का भाई है, हमसे छोटा है, एक हमसे बड़े हैं, मैं दूसरे नंबर पे हूँ, और एक अवधेश से छोटा है, बड़े जो है उनका नाम शिवेंद्र मिश्रा हुआ, मैं खुद सुशील मिश्रा, और उसके बाद अवधेश है, और उसके बाद ब्रजेश मिश्रा है, और हम चारों भाई, मैं गांव पे रहता हूँ, 2 भाई हमारे पटना में रहते हैं, सबसे बड़े वाले और सबसे छोटे वाले, और एक अवधेश है वो बॉम्बे में रहता है। चलिए सर से ये भी जानकारी लेते हैं कि सर ये बताइए कि आप जैसे आपके घर में एक मान लीजिए तीसरे नंबर पर जो भाई है बहुत आगे चले गए हैं और बहुत फेमस भी है, बहुत मतलब आगे नाम भी कमा रहे हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है ऐसे? अरे गर्व महसूस हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स किसी को भी ऐसे होता है जब कोई आगे जब जाता है तो अपने परिवार में बहुत खुशी की सभा रहती है। यही नहीं, इस ग्राम वासियों को, इस इलाके को, सीतामढ़ी जिला को, बिहार को गर्व महसूस होता है कि इस मिट्टी से कोई इतना ऊपर गया, तो कहीं भी एक मुकाम हो, अभी जो जिस मुकाम पे है वो बहुत बड़ी बात है, और हमारी इच्छा है कि ऐसे और भी 2-4 निकले जो मतलब आगे जा कर के गाँव का, हमारे गाँव का, हमारे जिला का, हमारे राज्य का नाम रोशन करें, और क्या इच्छा होगी, एक बड़े भाई के नाते उसको आशीर्वाद है। जी, थैंक यू फ्रेंड्स, और बने रहे हैं, और आप लोगों को दिखा दिए हैं इनका घर जो है फिलहाल, अभी आप लोगों को एक बाहर से भी दिखा दिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे यही घर है, और एक बोर्ड जो दिखाए थे ये कौन है, श्री राम रेखा हमारे स्वर्गीय पिताजी, और अवधेश मिश्रा जी का पिताजी नाम यही है जो आप लोग देखे हैं बोर्ड पे, और ये गाड़ी अपने है, और देख सकते हैं जो गाड़ी लगा था 100 लगा हुआ है वो भी, और एक सुजुकी का लगा हुआ है वो भी इन्हीं का है। और चलिए फ्रेंड्स आप लोगों को सब जानकारी दे दिए हैं, घर भी दिखा दिए हैं। चलिए फ्रेंड्स बने रहे चैनल पर, नया तो सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर देते हैं, यूट्यूब पर को थैंक यू फ्रेंड्स। Subscribe to the Escape and Vlogs. Please subscribe.